जीवन में सफलता प्राप्त करने और कुछ अलग करने के लिए शिक्षा सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। स्टूडेंट्स के उज्जवल भविष्य को सही मार्गदर्शन देने के लिए नई दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में शिक्षा महोत्सव इवेंट का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ इवेंट की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि देश के 7 से ज़्यादा राज्यों से 14 यूनिवर्सिटी के करियर एक्सपर्ट्स ने 250 पेरेंट्स के साथ 800 स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस दिया और इसके साथ कैट मैट की तैयारी के लिए फ्री ऐप दी। शिक्षा महोत्सव का उद्देश्य है स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन करके उन्हें अच्छी यूनिवर्सिटी मिले, जहां स्टूडेंट्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी भी मेहनत करे और उन्हें अच्छी जगह जॉब मिले जिससे उनका भविष्य चमके। शिक्षा महोत्सव के आयोजक रविंदर साहू जी ने बताया कि एलजी भाग ने 1000 छात्रों ने भाग लिया और एमबीए पीजीडीएम जैसे कोर्स के बारे में जानकारी ली। देश को बदलने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही हम देश को बदल सकते हैं क्योंकि शिक्षा से ही आन बान शान होती है। इवेंट में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी देहरादून के करियर एक्सपर्ट साहिब सबलोक ने दिल्ली के माता पिता से बैठकर करियर प्लानिंग के बारे में जानकारी दी। साथ ही मानव रचना यूनिवर्सिटी, कोया यूनिवर्सिटी रुड़की, देवभूमि यूनिवर्सिटी, केआर मंगलम यूनिवर्सिटी, 14 यूनिवर्सिटी के 47 करियर एक्सपर्ट्स ने 800 छात्रों और 250 माता पिता को मार्गदर्शन दिया। बट नहीं होता, बहुत सारे बच्चे ऐसे रह जाते हैं, तो उसके बारे में क्या है? सर, पहली बात तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस बोलती हैं और 100% प्लेसमेंट क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जो हो सकता है एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, वो बनना ही नहीं चाहते, जॉब करना ही नहीं चाहते, हो सकता है अपना खुद का बिजनेस संभाल रहे हो। बट इसके अलावा आप बहुत इजीली आप उनका रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, आप उनके देख सकते हैं पिछले 5 साल में 10 साल में उनका कंसिस्टेंसी कैसा रहा है और अपना डिसीजन ले सकते हैं। और शिक्षा महोत्सव में एक ही जगह पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आ रखी है, देश भर से आ रखी है, अलग अलग शहरों से आ रखी है। आप जाएँ काउंसलर से मिलें, अपना जितने आपके क्वेश्चन हैं आप उनको उनसे सॉल्व करवाइए, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, आंसर लीजिए और फिर अपना डिसीजन लीजिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं और डिसीजन एंड में पेरेंट और स्टूडेंट के हाथ में ही रहता है। बट शिक्षा महोत्सव में आने का सिर्फ आने का तात्पर्य यही है कि जो आ रहा है वो एटलीस्ट सेटिस्फाइड जाए और उसको दर दर भटकना ना पड़े, एक ही जगह आए, आराम से अपने क्वेश्चन पूछे एज अ फैमिली और उस पर अपना डिसीजन ले। एक चीज़ और मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा सबके आगे, भाई देखो कोई भी कॉलेज है तो वो आपके घर कभी पढ़ाने नहीं आ सकता, लेकिन कॉलेज हमेशा बोलता है कि यदि आप 90% अबव अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हो, इट मीन आप कॉलेज के सिस्टम में अच्छे से घुसे हो, आप करिकुलम को प्रॉपर फॉलो करो, आप प्रोफेसर्स को भी फॉलो कर रहे हो। और जब आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो आप याद रखिए कि जो सिस्टम के कमिटमेंट्स हैं वो अपने आप ही पूरे होंगे। अब मान लो कोई बच्चा क्लास में जा ही नहीं रहा है, पढ़ाई कर ही नहीं रहा है, तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते चीज़ों की। ये रिवर्सिबल प्रोसेसेस है, जितनी बच्चा मेहनत करता है उतना ही कॉलेज भी मेहनत करता है प्लेसमेंट के लिए, नॉलेज के लिए, हर चीज़ के लिए। मैं ये कहूँगा शिक्षा महोत्सव से पहले भी जुड़ा हुआ हूँ और शिक्षा महोत्सव का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि सारे इस कॉलेजेस को, सारी यूनिवर्सिटीज़ को सारे बच्चों के एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया ताकि हम इंटरेक्ट कर सकें। और मैं प्लेसमेंट की बात पे दोहराना चाहूँगा, मैं 22 साल से इस क्षेत्र में हूँ और मैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में काम कर चुका हूँ। मैं ये वादा कर सकता हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अगर बच्चे ने 90% अटेंडेंस और अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर पास किया है तो प्लेसमेंट कोई बैरियर नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि मेरे पास कंपनी आई, उसने आते ही कहा कि मेरे पास 200 वैकेंसीज हैं, हमने पूल कैंपस किया उत्तराखंड के अंदर, मैं उत्तराखंड से हूँ, वो लेके गए 50 बच्चे। एंड ऑफ द डे कहाँ, मैं भी फिक्की के एक सेमिनार में भी था, वहाँ अभी बेरोजगारी के ऊपर बात हो रही थी, मैं बड़े गर्व से कह रहा था, मैंने कहा बेरोजगारी नहीं है, मैं 10 यूनिवर्सिटी को जानता हूँ जो अच्छे प्रोफेसर की ज़रूरत है, अच्छे मार्केटिंग गाइस की ज़रूरत है, शिक्षा महोत्सव वाले बैठे हैं इनको भी मार्केटिंग गाइस की ज़रूरत होगी, बट हमें टैलेंटेड यूथ नहीं मिल रहा, इसीलिए हम स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें। इफ़ द स्टूडेंट दे हैव टू विजिट ऑल दीज यूनिवर्सिटीज, सो इट विल टेक अराउंड 2000 किलोमीटर्स एंड दे हैव टू ट्रेवल हाफ ऑफ द इंडिया, बट ऑल द 15 यूनिवर्सिटीज यू कैन सी और द इंस्टीट्यूशन, रिनाउंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडिया, दे आर हेयर। एंड यू नो लाइक आई एम अ प्रोफेसर एंड हेडिंग दैट स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, दैट इज देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी।
So if they are having a problem that is academic related, that can be solved at that particular moment. If they are having a problem or the issues related that the fees or, you know, the scholarships and the procedure, admission and all, so our team is, you know, they are busy with a lot of students. So ultimately, it's a great effort for the side of the Sahu sir and their team, so that student they can have, you know, all the answers at a single particular place. And thanks to all of you for covering this, so that in future again we'll organize these type of events and make benefit for the students and their parents, their friends and a large society in large. Thank you. बहुत अच्छा लगा यहाँ पे शिक्षा महोत्सव में आके. काफ़ी जो भी इनके कार्यक्रम होते हैं बहुत ही बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. एक्चुअली जनरली बच्चों को अवेयरनेस बहुत कम होता है, लेकिन जब वो ऐसे एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और यहाँ पे 14 से 15 कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत अच्छा एक उनको अप्रोच मिलता है, एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है. जब हम स्टूडेंट से यहाँ पे बात करते हैं, मोस्टली दे आर नॉट अवेयर ऑफ कोर्सेज और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे स्किल बेस्ड कोर्सेज की इंडस्ट्रीज़ को रिक्वायरमेंट है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है. और मैं बहुत थैंक यू करती हूँ साहू जी का कि वो ऐसे कार्यक्रम करते रहे, बच्चों को हेल्प करते रहे.